पांच राशियों के लिए 2022 रहेगा भाग्यशाली। किन पांच राशियों के लिए 2022 रहेगा खुशियों भरा। किन पांच राशियों के लिए 2022 रहेगा तरक्की भरा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, और धर्मज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप हमारे वीडियोस को बड़ा पसंद कर रहे हैं, नए साल के वीडियोस को, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, सब अपने बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा कि जैसे हमारी मेहनत कविता जी एक बार फिर से सफल हुई। बिल्कुल, और हमारी कोशिश धन्यवाद यही रहती है कि वक्त वक्त पे जितने भी ग्रह नक्षत्रों का जो राशि परिवर्तन हो रहा होता है और जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनती रहती है दिन पर दिन, उसका प्रभाव आप लोगों पर कैसा पड़ेगा, वो हम उससे जुड़े आपके लिए वीडियो हम लाते रहे। और दर्शकों का बहुत बहुत इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी कि आप लोग इस चीज़ को सराहते हैं कि हम आपकी हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं और आपको पॉजिटिव ज़्यादा करते हैं, ना कि डराते हैं, तो लोग इस चीज़ से भी बड़ा खुश हैं। तो देखिए इतने फ़ोन्स आए हैं, सभी का धन्यवाद हम नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करते हैं, हमारे सभी दर्शकों का जो हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, और भी बेहतरी जो चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं, हम वो भी करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम नए साल से, क्योंकि देखिए नया साल जब लगता है तो हर किसी को ढेरों उम्मीदें होती हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि यार देखिए जैसे तैसे पुराना साल जैसे तैसे तो चला गया, लेकिन जो आने वाला जो वक्त है हमारे लिए और अच्छा रहे। और इस बार देखिए साल की शुरुआत यानी कि 2022 की शुरुआत कई शुभ और अशुभ ग्रहों के साथ हो रही है। एक तरफ जहां काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, तीसरी तरफ महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, तो चौथी तरफ ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है। यानी कि कुछ शुभ और अशुभ योग निर्माण के साथ साल की शुरुआत हो रही है, और इनका प्रभाव आप लोगों पर कैसा रहेगा इस पूरे साल, यही चीज़ आज हम मयंक जी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले किस तरह से इन शुभ अशुभ ग्रहों का, इन शुभ अशुभ ग्रहण योग का जो ये निर्माण हो रहा है, ये समझते हैं मयंक जी से। मयंक जी समझाइए। बिल्कुल कविता जी, देखिए जो नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, इस शुरुआत पे कुछ ऐसे योग बनेंगे जहाँ पर सभी लोगों यानी कि 12 राशियों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। नए वर्ष का स्वागत करें और बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करें, क्योंकि पिछले वर्ष में जो बड़ी त्रासदी हुई है उससे लोग बड़ी त्रस्त थे, और इस समय जो शुरुआत है बड़ा खुशनुमा माहौल है, और लेकिन एक नया जो कोरोना का वेरिएंट है उससे लोग चिंतित भी हैं। तो नए साल की शुरुआत सब चाहेंगे कि बहुत बढ़िया रहे और 2022 जो है वो खुशियों से भरा रहे। और कैसे आप अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं और किन राशियों के लिए ये नववर्ष बहुत ज़्यादा लाभ देगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे इस नए वर्ष की शुरुआत जो है सभी राशि वाले बेहद सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि नव वर्ष पर जो ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि चंद्रमा केतु के साथ रहेगा, मंगल केतु के साथ रहेगा, यानी कि चंद्र केतु का ग्रहण योग, मंगल केतु का अंगारक योग बन रहा है। चंद्रमा यहाँ नीच के रहेंगे उस दिन, और चंद्रमा मंगल के साथ भी है, चंद्रमा केतु के साथ भी है, पर राहु की सप्तम दृष्टि है। इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग का निर्माण भी हुआ और एक राजयोग, नीचभंग राजयोग भी बना। उसके साथ साथ जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ से चतुर्थ भाव में गुरु है। ज्योतिष में कहा गया है कि गजकेसरी राजयोग लगन में जब गुरु चंद्र हो तब भी बनता है, समसप्तक योग तब भी बनता है, अगर केंद्र में गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए तो भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। यानी कि दो तीन शुभ और दो अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो नववर्ष की शुरुआत जो है सभी राशि वालों को बड़ा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, कुछ सावधानी से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट भी सकती है, इसी का आपको ध्यान रखना चाहिए। पर क्या सावधानियां रहेंगी हम आपको बताते चलेंगे, और किन राशियों के लिए ये नववर्ष बहुत ही मंगलकारी रहेगा इसकी भी जानकारी आज दी जाएगी। तो देखिए अगर एक तरफ काल सर्प योग और ग्रहण योग आपको परेशान कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ गजकेसरी योग और महालक्ष्मी योग आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। और ऐसे में ये जानते हैं इन शुभ और अशुभ योग का निर्माण
पूरे साल आप लोगों पे कैसा रहने वाला है। मैं एक जगह शुरुआत करते हैं पहली राशि से, मेष राशि से। बिल्कुल, देखिए ये नव वर्ष की शुरुआत जो रहेगी ये मेष राशि वालों के लिए किसी कहना चाहिए बड़े चमत्कार से कम नहीं रहने वाली है। अगर उनके करियर की बात करें, मेष राशि वालों का पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा समय चल रहा है जी। और दर्शकों को बता दें, मेष राशि आपके नाम से नहीं है, ना आपके सन साइन से है, ये आपके मून साइन से है। यानी अगर आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है तो ये उसके हिसाब से प्रिडिक्शन है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेष राशि वालों के लिए जो गोल्डन पीरियड है वो इसी तरह बरकरार रहेगा 2022 में भी। और जो 2022 जो है आपके लिए कुछ नया करने का रहेगा, कुछ बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी काम कारोबार के क्षेत्र में, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विवाह के योग बनेंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी और धन धान्य में चार गुनी वृद्धि होगी। लेकिन इस पूरे वर्ष में क्या सावधानियां बरतनी है, आपको यहाँ वाद विवाद से पूरे वर्ष बचना होगा, वाणी पर संयम बरतना होगा क्योंकि क्रोध की अधिकता यहाँ पर आपका नुकसान पहुँचा सकती है। तो यही एक माइनस पॉइंट रहेगा कि क्रोध की अधिकता उत्प्लावन से बचें, जल्दबाजी में कार्य ना करें और घमंड ना करें, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि सफलता हर किसी को रास नहीं आती जी। जब व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर चढ़ता है तो वो भूल जाता है उसने कहाँ से शुरुआत करी, उसमें घमंड आ जाता है, उसको लगता है कि अब तो मेरा समय बहुत अच्छा आ गया है और अब मैं कभी परेशानी में नहीं आऊँगा। लेकिन इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी विपरीत परिस्थितियों को, अपने बुरे दिनों को, उनको ध्यान में रख कर चलेंगे तो इंसान हमेशा ही सफल रहता है। चलिए मैं, ये तो आपने हमें मेष राशि वालों के बारे में बताया, और अब अगर बात करें हम वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि वाले काफ़ी परेशानी में हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, मार्च से वृषभ राशि वालों के भाग्य के द्वार खुल जाएंगे जी। सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नए कार्य की शुरुआत मार्च के बाद होती हुई दिख रही है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, वैवाहिक सुख भोगेंगे इस समय आप, यानी विवाह का योग भी बनेगा, अगर आपके संबंध खराब थे तो वो भी मनमुटाव दूर हो जाएगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा और आपके भाग्य वृद्धि के भी संकेत हैं। बात करते हैं अब मिथुन राशि का, जानते हैं कि उनके लिए साल की शुरुआत कैसी रही। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए भी साल की शुरुआत जो है बड़ी जबरदस्त रहेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा इस वर्ष आपको। कार्य हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, पार्टनरशिप का काम करते हैं, ब्रोकरशिप का काम करते हैं, आप पत्रकार हैं, आप कलाकार हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप शिक्षक हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, जो आप करना चाहते हैं मिथुन राशि वालों इस वर्ष उसको आपको प्राप्ति होगी और आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर भी आपको प्रमोशन की पूरी पूरी संभावना है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की और इनके लिए कैसा रहेगा। मैं जी देखिए कर्क राशि वालों के लिए समय जो है ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके भाग्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, लेकिन कर्क राशि वालों को अप्रैल तक अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जनवरी से अप्रैल आपको सावधानी बरतनी है, धन का निवेश नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है तो आपको परेशानी आ सकती है, सेहत का भी ध्यान रखना है। अप्रैल के बाद आपका बहुत ही शानदार समय है, यानी अप्रैल से लेकर मान लीजिए दिसंबर तक बहुत अच्छा करेंगे काम कारोबार में, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के भी योग बनेंगे, धन धान्य की भी वृद्धि होगी। चलिए बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये काल सर्प योग और कहें कि गजकेसरी योग का, मतलब शुभ अशुभ योग का ये निर्माण। सिंह राशि वालों के लिए भी ये योग बहुत ही शानदार रहेगा, इनके काम कारोबार में वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, लेकिन इनको 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक विशेष सावधान रहना पड़ेगा। इस समय कोई लापरवाही ना करें, किसी बड़े परिवर्तन से बचें तो संपूर्ण वर्ष आपको खुशियाँ मिलेंगी, विवाह के योग बनेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नए कार्य की शुरुआत होती हुई दिख रही है सिंह राशि वालों, पिछले कुछ वर्षों में ये वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। कन्या राशि वालों को फरवरी से लेके अप्रैल तक 15 अप्रैल तक जरा सावधान रहना है, उसके बाद कोई चिंता वाली बात नहीं है कन्या राशि वालों, उसके बाद आपके लिए काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए बड़ा अच्छा समय है, आपके विवाह के योग बनेंगे, जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक उनको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, छात्रों के लिए भी बड़ा समय रहेगा, तो किसी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। चलिए तो अभी तक तो मैं जी से हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों के बारे में जाना और अब बारी आती है तुला राशि की, तो मैं जी इनके लिए कैसा रहेगा।
देखिए तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो रही है, आपकी शनि की ढैया भी हटेगी और आपका गृह स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी, तो ये वर्ष आपके लिए आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे जी। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं या आप अरेंज मैरिज भी करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ये योग बनता हुआ आपका नजर आ रहा है। दोनों ही तरह से आपके विवाह के योग बन रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, व्यापार में धन लाभ होगा। कुल मिलाकर अभी तक आपकी सेविंग अगर नहीं हो रही थी तो ये वर्ष धन संचय का भी है जी। चलिए बात की हमने तुला राशि की, अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जनवरी से लेकर मार्च तक का समय थोड़ा संभल कर चलने का है जी। उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, चाहे आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, चाहे आपका विदेशों में कारोबार हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो, सभी तरह के सुखों की आपको प्राप्ति होगी, आदर की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और देखिए आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव भी हैं तो वहाँ वृश्चिक राशि वालों की लॉटरी भी लग सकती है, चुनाव जीतेंगे, मंत्री पद की प्राप्ति भी अचानक से हो जाएगी, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। देखिए धनु राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही मंगलमय रहेगा कविता जी, उनकी 7.5 की समाप्ति होगी तो उनके घर में खुशियां खुशियां आएंगी। धनु राशि वाले पिछले कई सालों से परेशान हैं जी, तो इस वर्ष से उनके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, बिल्कुल परेशानियों का अंत हो जाएगा, धन लाभ भी होगा, धन संचय भी होगा, नए काम की शुरुआत भी होगी और कहना चाहिए आपके आय के साधन भी बढ़ेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, वैवाहिक सुख भोगेंगे, संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान के विवाह के योग भी बनेंगे, आपका भाग्य भी चमकेगा, तो कुल मिलाकर बेहतरीन समय है, इस समय का पूरी तरीके से आनंद उठाइए, लेकिन जनवरी से लेके मार्च तक सावधान रहना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि की, क्योंकि ये लोग भी पिछले काफी वक्त से परेशान थे क्योंकि इन पे शनि की 7.5 चल रही थी, तो मैं इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए इनके लिए शनि इनकी राशि से हटेंगे तो उनके लिए और भी अच्छा रहेगा, आपके कहना चाहिए विवाह के योग बनेंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ के योग बनेंगे। मकर राशि वाले जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके भी योग हैं, जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी शानदार योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मकर राशि वालों बेहतरीन समय है आपका। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों ये समय आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, हालांकि लगन में आपके बृहस्पति रहेंगे तो ये शुभ फल देंगे, लेकिन लगन में शनि भी रहेंगे, थोड़ा सा तनाव की स्थिति से गुजर सकते हैं, कार्यों में थोड़े थोड़े विलंब रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अंत में जीत आपको ही हासिल होगी। आपको क्या करना है इस समय, मई जून जुलाई का महीना जो है आपको थोड़ा सावधानी से बिताना है, उसके अलावा और कोई पूरे वर्ष में परेशानी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको क्रोध की अधिकता और अहम से बचना है वरना तो आपको नुकसान यहाँ हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, आपको शनि की 7.5 की शुरुआत होगी, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, मीन राशि वालों का समय इस वर्ष भी अच्छा रहेगा, हालांकि खर्च थोड़ा बना रहेगा, हो सकता है इस वर्ष आपके संतान का विवाह हो उसपे खर्च हो, शुभ कार्यों पे खर्च हो सकता है, आप घर ले सकते हैं, आप वाहन ले सकते हैं, इस चीजों पे खर्च होगा, ये हानि का संकेत नहीं है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है मार्च के बाद आपका बहुत ही फेवरेबल समय आएगा, मार्च से लेके अक्टूबर का समय आपका बहुत ही फेवरेबल है, तो बाकी जनवरी फरवरी और नवंबर दिसंबर आपको यानी कि साल की शुरुआत में और साल के अंत में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बीच के मध्यकाल आपका बहुत अच्छा बीतेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और काम कारोबार में वृद्धि होगी। चलिए तो ये तो मैं जी आपने बताया कि शुभ और अशुभ योग का जो निर्माण हो रहा है 12 राशियों के लिए पूरे साल कैसा रहेगा, अगर किसी को इस दौरान तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, तो लोगों को क्या उपाय करने चाहिए। देखिए इस समय अगर आपको साल की शुरुआत में कोई भी दिक्कत आ रही है तो शिव चालीसा का पाठ करें, घर में रुद्राभिषेक कराएं, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा और उसमें आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। शनिदेव की आराधना करें जिनको 7.5 है, शनि चालीसा का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिदेव को 5 बादाम चढ़ा दें। जिनको बृहस्पति देव की वजह से परेशानी आ रही है उनको क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू, पीले वस्त्र मंदिर में दान करें और हल्दी से स्नान करें या हल्दी या केसर का तिलक माथे पे लगाएं, तो सारा वर्ष सुख और सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती रहेगी।
तो चलिए ये आज हमने महेश शर्मा जी से जाना है कि किस प्रकार से शुभ और अशुभ योग में साल की शुरुआत आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।